एक कप मैदा, एक चम्मच शुगर पाउडर और ऑयल, और ये मैंने ईस्ट लिया है। मैंने इसे हल्के गर्म पानी में 15 मिनट के लिए भिगोकर रखा था और अब मैं इसको इसमें ऐड करूंगी। डो बनाने के लिए हमें हल्का गर्म पानी लेना है। अब मैं इससे डो तैयार करूंगी इसका। नमक, थोड़ा सा नमक ऐड किया मैंने। ये डो हमारा रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैं इसे 10 से 15 मिनट ढककर रखूंगी। जब तक हमारा डो तैयार होता है तब तक हम इसकी टॉपिंग बनाएंगे। और टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पे पनीर के क्यूब्स लिए हैं और इसमें थोड़ी सी मैं कॉर्न ऐड करूंगी, शिमला मिर्च, और इसमें हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे। और ऑर्गेनो सीजनिंग, और इसको मिक्स करेंगे। डो हमारा रेडी है। थोड़ा सा इसे गूंद के सॉफ्ट करेंगे। अब हम इसका बेस तैयार करेंगे। ये मैं बेस तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा सा फोर्क से होल करूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसको हल्का सा पका लेंगे तवे पे। एक मैंने पतला तैयार किया है और एक को मैंने देखिए पका लिया है। ये मैंने फोर्क से इसमें होल कर दिए। अब मैं इसमें पिज्जा टॉपिंग लगाऊंगी। इसमें मैं लगाऊंगी थोड़ी सी तंदूरी मेयोनीज। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मोजरेला चीज। अब हम इसमें ये बेस रखेंगे और इसको प्रेस करके क्लोज कर देंगे। अब मैं इसमें पिज्जा सॉस लगाऊंगी, थोड़ा सा इसमें मोजरेला चीज डालेंगे और अब हमने जो ये टॉपिंग तैयार की थी अब वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब ऊपर से इसमें थोड़ा सा मोजरेला चीज ऐड करेंगे। अब मैं इसमें बटर अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि बेस काफी सॉफ्ट होगा और अच्छे से पक जाएगा। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसमें रखूंगी और गैस पे लगा दूंगी। और आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। और इसको ढक्कन लगा के गैस पे 10 से 15 मिनट पकाएंगे। ये देखिए हमारा पिज्जा काफी अच्छे से पक गया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे।